हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एक बेहद खूबसूरत केवल डिज़ाइन। आप इसे एज ए बॉर्डर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पूरे स्वेटर में भी इसे आप डाल सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है और बेहद खूबसूरत। बिगनर्स भी इस डिज़ाइन को आसानी से बना सकते हैं। जिसे सिर्फ सीधा उल्टा बुनने आता है वो भी इस डिज़ाइन को आसानी से बना सकता है। चार फंदे का और दो लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और इन्हें ही दोहराने से ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो और डिज़ाइन अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए चार के मल्टीपल फंदे चाहिए, तो मैंने 12 फंदे डाल लिए हैं। डिज़ाइन आप चाहें तो एज अ बॉर्डर भी बना सकते हैं और पूरे स्वेटर में भी इसे डाल सकते हैं। तो आप फंदे डालने के बाद डायरेक्ट डिज़ाइन को डाल सकते हैं। तो ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से, तो पहले फंदे को या तो हम सीधा बुन लेंगे या फिर स्लिप कर लेंगे। अब ऊन को अपनी ओर करेंगे और दो फंदा हम उल्टा बुनेंगे, एक दो, फिर एक लूप लेंगे और लूप के दोनों सिरे देखिए सिलाई के नीचे ऐसे आने चाहिए। अब हम इसे ऐसे खींच के देखेंगे, जो सिरा खींचने पे ना खींचता हो, देखिए ये खींच रहा है यानी इधर से हमें बुनाई नहीं करनी है, ये खींचने पे नहीं खींच रहा है यानी इस साइड से ही हमें बुनाई करनी है। और एक फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। अब जो दूसरा सिरा है उसे ऐसे पकड़ के खींचेंगे, फिर हम एक लूप लेंगे और फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, जो सिरा खींचने पे ना खींचता हो उस सिरे से हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे, दूसरे सिरे को ऐसे पकड़ के खींच लेंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं चार फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। उनको अपनी ओर करना है, दो फंदा उल्टा, फिर एक लूप लेंगे, ऐसे खींच के देखेंगे, लूप के दोनों सिरे सिलाई के नीचे आने चाहिए, फिर एक ऐसे खींच के देखेंगे, जो सिरा खींचने पे ना खींचता हो उस साइड से हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे, दूसरे वाले सिरे को ऐसे पकड़ के खींच लेंगे, फिर हम एक लूप लेंगे, दोनों सिरे सिलाई के नीचे आने चाहिए, अगला फंदा हम उल्टा बुनेंगे, ऐसे खींच के देखेंगे, जो सिरा खींचने पे ना खींचता हो उस साइड से हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे, अब दूसरे वाले सिरे को ऐसे पकड़ के खींच लेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदा उल्टा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह ये डिज़ाइन का पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। तो पहला फंदा एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुनेंगे या फिर स्लिप कर लेंगे। अब देखिए, दो फंदा जिसे हमने सामने से उल्टा बुना था उसे हम रॉन्ग साइड से सीधा बुन लेंगे। दो फंदा सीधा, उन अपनी ओर, और देखिए इन दो फंदों पे हमने डिज़ाइन बनाया था तो इन दोनों फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं चार फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। उन दूसरी ओर आगे से जिस दो फंदों को हमने उल्टा बुना था उन्हें हम पीछे से सीधा बुन लेंगे, और जो जिन दो फंदों पे हमने डिज़ाइन बनाया था उसे हम ऊन अपनी ओर करेंगे और इन दो फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। उन दूसरी ओर लास्ट में तीन फंदा बचेंगे, तो दो फंदा सीधा, और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे उल्टा बुनेंगे। तो इन्हीं चार फंदों को और इन्हीं दो लाइनों को हमें रिपीट करना है, जिससे ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत है और बनाना कितना आसान है। इसे आप एज ए बॉर्डर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहें तो डिज़ाइन के तौर पे भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप लेडीज़ जैकेट में, कार्डिगन में, कोटी में, जेंट्स स्वेटर में, जेंट्स के बैक में आप इसे डाल सकते हैं। बच्चों के प्रोजेक्ट में भी डालिए, इससे कैप बनाइए, हैट बनाइए, ये सब में बहुत ही अच्छा लगेगा। डिज़ाइन बेहद आसान है और देखिए कितना खूबसूरत।
तो फ्रेंड्स डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।